येवगेनी प्रिगोजिन ही असल मायने में वैगनर ग्रुप का लीडर था। प्रिगोजिन ने ही युद्ध के लिए जेलों से नए लड़ाके भर्ती किए। जंग के दौरान मारे गए लड़ाकों के परिवारों को सहारा देने के लिए आर्थिक मदद भी वही देता था। वैगनर को हथियार, पैसा, रसद, जंग का साजो सामान सब प्रिगोजिन ही मुहैया कराता था। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। सवाल यह है कि अब 25,000 वैगनर लड़ाके क्या करेंगे? ये प्रोफेशनल मशीनरी क्या यूक्रेन की तरफ से जंग में कूद जाएगी? ऐसी आशंकाएं क्यों हैं? ये समझिए। जिन्होंने बाखमुत की जंग जीती, जिन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का झंडा फहराया, जिन्होंने यूक्रेनी सेना को धूल चटा दी, वो नाम है वैगनर। लेकिन अब वैगनर अनाथ है। जिस ग्रुप के नाम से ISIS, अलकायदा और यूक्रेन की सेना तक भयभीत हो जाते थे, अब उनकी स्थिति क्या है ये समझिए। प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है, उप प्रमुख दिमित्री उत्किन की मौत हो चुकी है। 25,000 फाइटर्स भूमिगत हैं। वैगनर ग्रुप का मिलिट्री स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। क्रेमलिन ने कहा है कि कानूनी तौर पर वैगनर का कोई अस्तित्व नहीं है। एक संस्था जिसके 25,000 जवान रूस के लिए जंग लड़ रहे थे, उसकी लीडरशिप खत्म होने के बाद इतनी बड़ी फौज कहां जाएगी, क्या करेगी, यही आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। वैगनर के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच ये है कि लीडरशिप खत्म होने के बाद 25,000 जवानों की फौज के पास कोई विकल्प नहीं है कि ग्रुप को कैसे संभाला जाए। वैगनर ग्रुप के मर्सिनरी पूरी तरह येवगेनी प्रिगोजिन पर निर्भर थे। प्रिगोजिन के बाद ग्रुप का कामकाज मिलिट्री स्ट्रक्चर दिमित्री उत्किन संभालता था। अब ये दोनों ही लीडर प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। प्रिगोजिन ने रूस की जेलों से ही 3,000 से ज्यादा लड़ाके भर्ती करके बाखमुत की जंग जीती। जंग में जो लड़ाके मारे गए उनके परिवारों से मिला और आर्थिक मदद की। लेकिन प्रिगोजिन के मारे जाने के बाद वैगनर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। प्रिगोजिन इस ग्रुप को कैसे संभालता है और उसके जाने के बाद संकट क्या है ये समझिए। और इसी के साथ ही वैगनर ग्रुप का विस्तार बहुत बड़ा है। उसकी कमाई की कुछ जो साधन है, जानकारी जो हुई है सार्वजनिक, उसके मुताबिक 8,000 करोड़ रुपए सालाना रूस के रक्षा मंत्रालय से मिलते थे। 90,000 करोड़ रूप की जो रुपए हैं वो सालाना कमाई जो है वो प्रिगोजिन के कॉनकॉर्ड केटरिंग बिजनेस से होती है। सरकारी विभागों से वैगनर को सालाना 82,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। सूडान में वैगनर ग्रुप सोने की खदानों की सिक्योरिटी संभालता है और इससे बड़ी आमदनी होती है। लेकिन कितने ये सीक्रेट हैं इसको भी समझना होगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में हीरे की खदानों की सिक्योरिटी भी वैगनर के पास है, लेकिन इस स्रोत से आमदनी कितनी होती है सार्वजनिक नहीं है। सीरिया में तेल के कुएं भी वैगनर के पास ही हैं, लेकिन इनसे कितनी आमदनी होती है इसका ब्यौरा भी किसी के पास नहीं है। दुनिया के कई देशों से होने वाली अकूत आमदनी के जरिए ही प्रिगोजिन रूस के लिए जंग लड़ रहा था। उसकी मौत के बाद रूस में उसके समर्थन में आवाज उठ रही है। तुला रीजन के गवर्नर जनरल ने कहा है कि रूस के लिए वैगनर ने दुनिया के कई इलाकों में मुश्किल जंग लड़ी है। उनकी मौत से रूस का नुकसान हुआ है। प्रिगोजिन और उत्किन पक्के देशभक्त थे, लेकिन रूस की जमीन से अब वैगनर के प्रतीक चिन्ह भी मिटाए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि रूस में वैगनर लड़ाकों के प्रतीक कैसे खत्म किए जा रहे हैं। जहां पहले क्रॉस थे, गुलदस्ते थे, वो अब इस हालत में नजर आ रहे हैं। रूस में वैगनर ग्रुप कभी बड़ी हैसियत वाला था, लेकिन प्रिगोजिन की मौत के बाद अपमान का पात्र बन गया है। इसीलिए यूक्रेन ने वैगनर को अपनी तरफ लाने का ऑफर दिया है। रूस के यूक्रेन समर्थक मर्सिनरीज ने कहा है कि रशियन मिलिट्री वॉलंटियर कोर यूक्रेन के समर्थन में जंग लड़ती है। इस कोर के जवानों ने वैगनर के नाम संदेश जारी किया है। संदेश में कहा है कि प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर लड़ाकों को जाग जाना चाहिए, हमारे साथ जुड़ो और क्रेमलिन के खिलाफ जंग लड़ो। डर है कि वैगनर लड़ाके फिर रूस में विद्रोह शुरू कर सकते हैं। पुतिन के करीबी मित्र लुकाशेंको ने वैगनर विद्रोह को संभालने का काम शुरू कर दिया है। लुकाशेंको ने कहा है कि प्रिगोजिन पर जानलेवा हमले की खुफिया जानकारी उनको थी। पुतिन से ये जानकारी साझा की गई थी। पुतिन ने खुद प्रिगोजिन को बताया था कि सावधान रहे।
लुकाशेंको ने यह भी कहा है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाके भविष्य के लिए निश्चिंत रहें। 10,000 वैगनर लड़ाके बेलारूस में रहेंगे और सरकार उनका ध्यान रखेगी। खुफिया खबर है कि वैगनर ग्रुप का कंट्रोल लेने के लिए पुतिन ने जनवरी 2023 में ही प्लानिंग कर ली थी। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन ने ग्रुप संभालने की प्लानिंग तेज कर दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि जनवरी 2023 में पुतिन ने वैगनर ग्रुप में रूसी सेना के 3 सैन्य अधिकारी नियुक्त किए। इनको वैगनर में सीक्रेट वीआईपी मेंबर के तौर पर रखा गया। इनकी पहचान गुप्त रखी गई। इनका मिशन वैगनर का मिलिट्री और बिजनेस स्ट्रक्चर संभालना था। विद्रोह के बाद जेलों से भर्ती किए गए लड़ाके रूसी सेना में भेज दिए गए। विद्रोह में शामिल लड़ाकों को बेलारूस भेज दिया गया। फिलहाल एक्टिव वैगनर ग्रुप को नई कंपनी में नियुक्त किया जा रहा है। नई कंपनी का नाम रीडेट बताया गया है। रीडेट रूसी फौज से रिटायर्ड कमांडरों ने 2008 में बनाई थी। बिखर चुके या फिर कहा जाए शायद प्लान के तहत बिखेर दिए गए वैगनर ग्रुप को नई पहचान दी जा रही है। अगर पुतिन के प्लान के हिसाब से सब हुआ तो सही, वरना वैगनर के विद्रोह की आशंका फिर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।